इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप के रिमेनिंग एमसीक्यूज को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश एजी। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने 1 to 25 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 26, बेसिक क्रोमोसोम नंबर इन मैंगो इज, मैंगो में जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो मैंगो में क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है 2n = 40, लेकिन हमसे पूछा है कि बेसिक क्रोमोसोम मीन्स हमसे पूछा है एन की वैल्यू, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20, मीन्स बेसिक क्रोमोसोम नंबर इन मैंगो इज 20। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर सिर्फ पूछता है, अगर यहाँ पर बेसिक कार्ड देता, सिर्फ पूछता क्रोमोसोम नंबर इन मैंगो, देन वहाँ पर आप ऑप्शन क्या लगा के आते, ए, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है कितना है 40, लेकिन हमसे पूछा कि बेसिक क्रोमोसोम, तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे 20, ठीक है। अब थोड़ा मैंगो के बारे में जान लेते हैं, तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मैंजी फेरा इंडिका, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्रॉप में कहीं से भी आ सकते हैं, मैंजी फेरा इंडिका, ठीक है, क्या हो जाएगा मैंजी फेरा इंडिका। ऑरिजिन की बात करें तो ऑरिजिन हमारा क्या है, इंडो बर्मा, ठीक है, ये दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बेसिक क्रोमोसोम नंबर 20, मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम एंड ऑरिजिन इंडो बर्मा। देन क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन ए कंटेंट इन मैंगो फ्रूट इज, ठीक है, जो विटामिन ए का कंटेंट होता है मैंगो फ्रूट में कितना होता है, 4200 IU इंटरनेशनल यूनिट, 2020 IU, 4800 या 2400, ठीक है। तो मैंगो की बात किया है तो मैंगो में होता है 4800 IU, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा 4800 IU। अगर बात करें पपाया की तो पपाया में कितना होता है 2020, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा पपाया के लिए और मैंगो के लिए 4800। देन क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ फ्लावर बड डिफरेंशिएशन इन मैंगो इन इंडिया। इंडिया में जो फ्लावर बड का डिफरेंशिएशन का टाइम है मैंगो में वो कौन सा मंथ है, जनवरी दिसंबर टू जनवरी, फरवरी टू मार्च, अक्टूबर टू दिसंबर या जून टू जुलाई। तो देखिए ये वेराइटी टू वेराइटी डिपेंड करता है, ठीक है, रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि जो फ्लावर बड डिफरेंशिएशन टाइम होगा वो क्या होगा, बट हमसे पूछ, बट जो एक्चुअल होता है वो 5 to 6 months, ठीक है, बिफोर फ्लावरिंग, ये चीज़ याद रखना है, बिफोर फ्लावरिंग, ठीक है, 5 to 6 months बिफोर फ्लावरिंग। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में फ्लावर बड डिफरेंशिएट होते हैं, ये वेराइटी टू वेराइटी डिपेंड करता है। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ अ ऑफ सीजन वेराइटी ऑफ मैंगो, इसमें से कौन सी है जो कि ऑफ सीजन वेराइटी है मैंगो की। तो जितनी भी वेराइटी दी है सभी के कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं हम लोग। सिंधु मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है, सीडलेस वेराइटी, ठीक है, कैसी वेराइटी है ये, सीडलेस वेराइटी है। अगर रत्ना के बारे में जानेंगे तो रत्ना हमारी रेगुलर बियरर है, ठीक है, कैसी है, रेगुलर बियरर, मीन्स हर साल ये फल देती है, ठीक है। अल्फोंसो जो वेराइटी है ये हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए बेस्ट वेराइटी मानी गई है और जो स्पॉन्जी टिश्यू के लिए ससेप्टिबल है, क्या है, स्पॉन्जी टिश्यू के लिए ससेप्टिबल है, ठीक है, ये याद रखना, स्पॉन्जी टिश्यू के लिए ससेप्टिबल है। और जो निरंजन है ये हमारी ऑफ सीजन वेराइटी है, ठीक है, ऑफ सीजन वेराइटी, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। सिंधु सीडलेस वेराइटी, निरंजन ऑफ सीजन वेराइटी, रत्ना रेगुलर बियरिंग वेराइटी है और अल्फोंसो एक्सपोर्ट क्वालिटी, बेस्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी और थी अल्फोंसो की और जो स्पॉन्जी टिश्यू के लिए ससेप्टिबल होती है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। देन क्वेश्चन नंबर 30, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा, पार्थिनोकार्पी कहलाएगा, एपोमिक्सिस कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा या पार्थिनोजेनेसिस कहलाएगा। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा, एपोमिक्सिस और पार्थिनोजेनेसिस, ये 99% सेम चीज़ होते हैं, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस बहुत अप्रॉक्सीमेट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंसेज है वो हम आगे बाद में किसी वीडियो में जानेंगे क्या डिफरेंस है, बट यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। जो पार्थिनोजेनेसिस है वो एपोमिक्सिस का ही पार्ट है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 31, फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि जो PDF है वही गड़बड़ है, तो आप लोग जो PDF है हमसे WhatsApp पर ले लीजिएगा, 7905601596, ये हमारा WhatsApp नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा कि हमें ये वाली PDF चाहिए, तो हम आपको वहाँ पर सेंड कर देंगे।
देन क्वेश्चन नंबर 31 है, द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग बनाना सुडो स्टेम आफ्टर हार्वेस्टिंग, बनाना सुडो स्टेम का रिमूव करना आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब आपने क्रॉप हार्वेस्ट के लिए उसके बाद रिमूव करना सुडो स्टेम का क्या कहलाता है? क्रॉपिंग कहलाता है, डीसकरिंग कहलाता है, मेटोकिंग कहलाता है, या डी निवेलिंग कहलाता है। ठीक है, तो क्रॉपिंग का क्या होता है? सपोर्ट देना। ठीक है, बनाना को सपोर्ट देना क्या कहलाता है? क्रॉपिंग कहलाता है। डीसकरिंग मतलब सकर्स जो होते हैं उनको रिमूव करना क्या कहलाता है? डीसकरिंग कहलाता है। मेटोकिंग क्या होता है? कि रिमूविंग ऑफ बनाना सूडो स्टेम आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद जो भी स्टेम्स बचे हैं सूडो स्टेम उनको रिमूव करना क्या कहलाता है? मेटोकिंग। ठीक है, देन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। एक ये डी निवेलिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी यहाँ पर हैं सभी इंपॉर्टेंट है। तो डी निवेलिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ, ठीक है, रिमूवल ऑफ मेल बड, जो मेल बड का रिमूवल क्या कहलाता है? डी निवेलिंग। ठीक है, तो चारों चीज़ याद रखिएगा, क्रॉपिंग क्या होता है, डी सकरिंग, मेटोकिंग क्या होता है, और डी निवेलिंग क्या होता है। देन क्वेश्चन नंबर 32, बेस्ट टाइम, बेस्ट प्रोपगेशन मेथड ऑफ ग्रेप इज, ठीक है, ग्रेप में जो बेस्ट प्रोपगेशन मेथड है वो क्या है? हार्डवुड कटिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हार्डवुड कटिंग या हार्ड स्टेम कटिंग, एक ही चीज़ है। देन क्वेश्चन नंबर 33, चिकन एंड हैन, हैन एंड चिकन डिसीज के नाम से जानते हैं, चिकन एंड हैन इज अ फिजिकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ ग्रेप कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या है कि हैन एंड चिकन डिसीज किसकी है? तो ग्रेप, फिजिकोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसका? है ग्रेप्स का। ठीक है, किसकी वजह से होता है? तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ बोरोन, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? बोरोन की कमी से हैन और चिकन डिसऑर्डर होता है। किस क्रॉप में होता है? तो ये चीज़ भी याद रखना है, ग्रेप्स में। ठीक है, किस में होता है? ग्रेप्स में। देन क्वेश्चन नंबर 34, बंची टॉप डिसीज ऑफ बनाना इज अ, जो बंची टॉप डिसीज है बनाना का वो बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है, फंगल डिसीज है, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो बंची टॉप जो डिसीज है वो कैसी डिसीज है? वायरल डिसीज है, जो कि एफिड्स के द्वारा ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंची टॉप ऑफ बनाना कैसा डिसीज है? वायरल डिसीज है, एफिड के द्वारा ट्रांसफर होती, और कौन सा जो वायरस है इसको ट्रांसफर करता है? तो बाबू वायरस। ठीक है, याद रखिएगा, बाबू वायरस, नाम से याद रखिएगा, बाबू, तो बाबू वायरस। क्वेश्चन नंबर 35, येलो कलर ऑफ पपाया फ्रूट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो येलो कलर है पपाया फ्रूट का वो किसके वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से होता है, कैरिकाजेंथिन या बीटा कैरोटीन। ठीक है, तो येलो कलर किसकी वजह से होता है? कैरिकाजेंथिन, कैरिका पपाया अपने साइंटिफिक नेम है पपाया का, तो उसी से टर्म बना कैरिकाजेंथिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? येलो कलर ऑफ पपाया फ्रूट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरिकाजेंथिन। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7905601596 पर, या हमें आप मैसेज कर सकते हैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हितेश जी, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले इसी चैनल पर आती है, तो यहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और हमें मैसेज कीजिएगा अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए। याद रखिएगा, जो पीडीएफ है वो पेड रहेगी, ऑथेंटिक क्वेश्चन रहेंगे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, आपको वहाँ पर जो हमारी पीडीएफ उससे क्वेश्चन 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो आप परचेज कर सकते हैं, कॉस्ट एकदम मिनिमम होगी। देन क्वेश्चन नंबर 36, ऑरिजिन प्लेस ऑफ गुआवा इज, गुआवा का जो ऑरिजिन प्लेस है वो क्या है? ट्रॉपिकल अमेरिका है, एशिया माइनर है, साउथ ईस्ट एशिया है, या इंडो बर्मा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल अमेरिका इज अ ऑरिजिन प्लेस ऑफ गुआवा। देन क्वेश्चन नंबर 37, गुआवा फ्रूट इज अ रिच सोर्स ऑफ, जो गुआवा फ्रूट है वो किस चीज़ का रिच सोर्स है? विटामिन ए का है, विटामिन सी का है, आयरन का है, या कैल्शियम का है? ठीक है, तो जो गुआवा होता है वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? गुआवा इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। देन क्वेश्चन नंबर 38, फ्लावरिंग टाइम ऑफ मृग बहार इन गुआवा इज, ठीक है, फ्लावरिंग टाइम जो मृग बहार का होता है गुआवा में वो क्या होता है? एक होता है मृग बहार, ठीक है, और एक होता है अंबे बहार। ठीक है, मृग बहार और अंबे बहार। तो देखिए, जो मृग बहार होता है उसका जो फ्लावरिंग टाइम होता है वो क्या होता है? जून, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। और इसको जो फ्रूटनिंग होगी वो हमारी जो भी विंटर के सीजन में आएगी, दिसंबर जनवरी के आसपास। ठीक है, लेकिन जो अंबे बहार होता है उसका जो फ्लावरिंग टाइम होता है वो कब होता है? फेब्रुवरी। देन ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर फ्लावरिंग टाइम इन अंबे बहार कर दिया देन आप क्या लगाएंगे? फेब्रुवरी। लेकिन यहाँ पर मृग बहार है तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जून। ठीक है, अमरूद का मृग बहार फूल आने का समय कब है?
जून में। देन क्वेश्चन नंबर 39, गुआवा विल्ट इज मोस्ट प्रेवलेंट डिसीज इन फाउंड इन विच टाइप ऑफ सॉयल। ठीक है, जो गुआवा विल्ट है वो किस प्रकार के सॉयल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एल्कलाइन सॉयल जो छारी सॉयल होती है, लवणी मीन्स सलाइन सॉयल होती है, एसिडिक होती है, या नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो गुआवा विल्ट है वो सबसे ज़्यादा एल्कलाइन सॉयल में पाया जाता है, मीन्स जो छारी मिट्टी होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गुआवा विल्ट मीन्स अमरूद का मुरझाना सबसे अधिक पाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 40, स्वीटनेस इन राइप मैंगो फ्रूट इज ड्यू टू, जो स्वीटनेस होती है राइप मैंगो फ्रूट में वो किसकी वजह से होती है, ग्लूकोज की वजह से होती है, सुक्रोज की वजह से, फ्रक्टोज या माल्टोज। ठीक है, तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें जो स्वीटनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्रक्टोज। मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, मैंगो का जो मीठापन है वो किसकी वजह से होता है, फ्रक्टोज। मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 41, अरोमा इन का अरोमा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर राइप बनाना फ्रूट इज। ठीक है, जो सुगंध आती है पके हुए बनाना में, ठीक है, वो किसकी वजह से आती है, इथाइल टू मिथाइल ब्यूटरेट हेक्सनल की वजह से, यूजिनॉल या नूटाकिटोन की वजह से। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर कंपाउंड दिए हुए थे सभी के बारे में जानते हैं कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर एप्पल की बात करें, एप्पल राइप एप्पल की, ठीक है, पके हुए एप्पल की, तो उसमें आता है इथाइल टू मिथाइल ब्यूटरेट। ठीक है, याद रखना है राइप एप्पल की बात कर रहा है। हेक्सनल की बात करेगा तो बनाना, अनराइप बनाना, ग्रीन बनाना, ठीक है, बनाना एंड एप्पल। ठीक है, जो भी ग्रीन एप्पल होगा या ग्रीन बनाना होगा उसमें हेक्सनल की वजह से अरोमा, जो भी महक आती है, अरोमा आता है वो किसकी वजह से होता है, हेक्सनल की वजह से। अगर आपका जो बनाना है वो राइप है तो किसकी वजह से आएगा, यूजिनॉल। ठीक है, ये राइप बनाना की वजह से आता। देन नूटाकिटोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, किस क्रॉप में, मतलब फ्रूट में होता है, तो ग्रेप फ्रूट। ठीक है, ग्रेप फ्रूट, ग्रेप्स नहीं, ग्रेप फ्रूट, ग्रेप्स मत लगाइएगा, ग्रेप फ्रूट। ठीक है, नूटाकिटोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रेप फ्रूट में, अरोमा के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 42, लेडी फिंगर इज अ वेराइटी ऑफ, जो लेडी फिंगर है वो किसकी वेराइटी है, बनाना की वेराइटी, पपाया की, ग्रेप की, या मैंडरिन की वेराइटी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वेराइटी है ग्रेप लेडी फिंगर, तो लेडी फिंगर बनाना की वेराइटी है जो कि एक डिप्लॉइड वेराइटी है। कैसी है, डिप्लॉइड वेराइटी ऑफ बनाना। देन क्वेश्चन नंबर 43, एडिबल पोर्शन ऑफ लीची, लीची का जो एडिबल पोर्शन होता है वो क्या होता है, पेरिकार्प होता है, बेरी होता है, एरिल होता है, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, फ्लैशी एरिल, एरिल कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, एरिल इज अ एडिबल पोर्शन ऑफ लीची। देन क्वेश्चन नंबर 42, फालसा इज कॉमर्शली प्रोपोगेटेड बाय, जो फालसा है वो हमारा कॉमर्शली किस मेथड से प्रोपोगेट किया जाता है, सीड से प्रोपोगेट किया जाता है, कटिंग से प्रोपोगेट किया जाता है, लेयरिंग से, या ग्राफ्टिंग से। तो फालसा इज कॉमर्शली प्रोपोगेटेड बाय सीड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीड। देन क्वेश्चन नंबर 45, लीची इज आ, जो लीची है वो कैसा है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो लीची है मेनली जो भी हनी बीज होती हैं, ठीक है, कौन होता है, हनी बीज, ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन करती हैं, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अत्यधिक परागित फसल है, विच इज पॉलिनेटेड बाई हनी बीज। देन क्वेश्चन नंबर 46, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लांटिंग सिस्टम फॉर एप्पल प्लांटिंग इज, ठीक है, एप्पल में जो प्लांटिंग सिस्टम होता है वो कौन से मेथड से होता है, मोस्ट कॉमन होते हैं तो सभी मेथड से हो सकता है, बट पूछा कि मोस्ट कॉमन किस मेथड से होता है, स्क्वायर सिस्टम से होता है, ट्रेंगुलर सिस्टम से, रेक्टेंगुलर सिस्टम से, या हेक्सागोनल सिस्टम से। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो मेथड है प्लांटिंग का एप्पल में वो स्क्वायर सिस्टम है, सेकेंड नंबर पर आएगा हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, सेकेंड नंबर पर यह फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट पे कौन सा मेथड है, स्क्वायर सिस्टम है, और सेकंड पे कौन है, रेक्टेंगुलर मेथड। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। एक चीज़ और याद रखना है, जो भी हमारे पॉलिनेटर पेरेंट्स होते हैं एप्पल में लगाए जाते हैं स्क्वायर सिस्टम में, वो आफ्टर 6 to 9 प्लांट बाद लगाए जाते हैं। ठीक है, मीन्स आपने 6 प्लांट लगा दिए, उसके बाद पॉलिनेटर पेरेंट आप लगाएंगे, फिर आपने 6 प्लांट लगा दिए, फिर पॉलिनेटर पेरेंट लगाएंगे, तो 6 या 9 इनके बीच में, आप 7 के बाद भी लगा सकते हैं, 8 के बाद और 9 के बाद। ठीक है, कहीं भी लगा सकते हैं, मीन्स 6 to 9 प्लांट होंगे आप आफ्टर पॉलिनेटर पेरेंट। देन क्वेश्चन नंबर 47, मोस्ट वाइडली यूज डॉफिंग रूट स्टॉक इज, ठीक है, एप्पल का जो मोस्ट वाइडली डॉफिंग रूट स्टॉक है, वाइडली यूज वो कौन सा है,
M9 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, M9 इज अ मोस्ट वाइडली यूज डॉफिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। देन क्वेश्चन नंबर 48, फ्रूट टाइप ऑफ एप्पल, एप्पल का जो फ्रूट टाइप है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पोम, फ्रूट टाइप ऑफ एप्पल इज पोम। देन क्वेश्चन नंबर 49, हाईली सॉल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप इज, जस्ट जो ऐसा फ्रूट क्रॉप जो कि सबसे ज़्यादा सॉल्ट को टॉलरेट कर जाता है, मैंगो, बेर, एप्पल या ग्रेप, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, बेर, बेर इज हाईली टॉलरेंट टू सॉल्ट। देन क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच इज नोन एज पुअर मैंस फ्रूट, इनमें से कौन है जो कि पुअर मैंस फ्रूट के नाम से जाना जाता है, बनाना, करौंदा, बेर या ओनला, ठीक है, तो पुअर मैंस फ्रूट के नाम से कौन जाना जाता है, बेर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, बनाना को एडम फिग के नाम से जानते हैं, ठीक है, एडम्स फिग, ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, विच क्रॉप इज, विच फ्रूट इज नोन एज पुअर मैन फ्रूट, तो बेर इज नोन एज पुअर मैन फ्रूट। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।